दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है, और अगर सच में आप सीरियस तरीके से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको भी जरूर हेल्प मिलेगी। चाहे आप एवरेज हो या टॉपर हो, चाहे आप शुरुआत कर रहे हो या इसी साल कोई टेस्ट देने वाला हो, सभी को एक सही डायरेक्शन जरूर मिलेगी। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि ये बात आपके पहले प्रयास में काम नहीं आएगी तो खुले मन से वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद ये बात रियलिटी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों आज की वीडियो है एक लड़की के बारे में जिसने यूपीएससी को क्लियर करा, लेकिन कैसे करा ये दिलचस्प बात है। ये लड़की के शुरुआत से ही पढ़ाई में इतने बुरे हालात थे कि एलकेजी क्लास में भी फेल हुई और छठी क्लास तक आते आते तो कई बार फेल हुई। ऐसे माहौल में उसने पढ़ाई की जहाँ पर उसके दोस्त, रिश्तेदार, स्कूल के खुद के साथी उससे कहते थे, क्या तुझे कुछ आता भी है? कई बार वो किसी चीज को करने भी जाती तो लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, उसके खुद के दोस्त उस पर हंसते थे, उसको बहुत गुस्सा आता था, लेकिन उसने किसी को भी पलट कर जवाब नहीं दिया, सारे गुस्से को अपने अंदर सुलगाती रही। एक बार उसके पिताजी से उसको पता चला कि यूपीएससी टेस्ट कैसा होता है। उसके पिताजी ने बताया कि बेटा अगर तुमने यूपीएससी टेस्ट क्लियर कर लिया तो बत्ती वाली गाड़ी में तुम भी बैठ सकती हो। बस वहां से उसने पहली बार अपने सपने को देखना शुरू किया, लेकिन अभी भी उसके नंबर अच्छे नहीं आते थे, अभी भी उसको इंग्लिश नहीं आती थी, अभी भी उसको बहुत कुछ सीखना था, लेकिन उस दिन के बाद उसने अपनी मेहनत को बढ़ा दिया, फिर धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट शुरू हो गई। फिर उसे एक दिन एक लाइन का पता चला, वॉज दैट माई बेस्ट, क्या वो मेरा बेस्ट था? इस लाइन ने उसकी प्रिपरेशन को 360 डिग्री पर बदल दिया। उस दिन से उसने इस लाइन को अपनी प्रिपरेशन और खुद पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। खुद से रोज एक सवाल पूछती, क्या मैंने आज अपना बेस्ट दिया? क्या मैं बेस्ट दे रही हूँ? लेकिन उसके खुद के अंदर से 8 महीने तक एक ही जवाब आया, नहीं। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपने सिलेबस पर और ज्यादा फोकस करा और शीशे के सामने खड़े होकर खुद से ही ना जाने कितने सारे मॉक इंटरव्यूज करे। अपनी सोशल मीडिया लाइफ को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया और उन लोगों से तो एकदम दूर हो गई जो कहते थे तू नहीं कर पाएगी। फिर कुछ महीने की कड़ी मेहनत और एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन के बाद उसने खुद से वही सवाल फिर से पूछा, क्या मैंने अपना बेस्ट दिया? क्या मैं अपना बेस्ट दे चुकी हूँ? एक दिन उसे जवाब मिला, हाँ। दोस्त उस दिन के बाद जब उसने यूपीएससी का टेस्ट दिया तो उसने यूपीएससी के तीनों राउंड को एक ही बार में क्लियर कर दिया। जी हाँ, वही लड़की जो हिंदी मीडियम से पढ़ी थी, जिसको इंग्लिश नहीं आती थी, जो अपनी शुरुआती कक्षाओं में कई बार फेल हुई थी, जब उसने यूपीएससी का टेस्ट दिया तो उसके मार्क्स लगभग परफेक्ट थे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्स आईएएस ऑफिसर मिसेस अनुपमा चंद्र मैम की। दोस्त उन सभी लोगों को आज से एक साइड कर दो, उनकी बातों को अपने अंदर जलती हुई आग पर पेट्रोल की तरह इस्तेमाल करो। मेरी बात याद रखना, एक हर इंसान नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो, हर इंसान नहीं चाहता कि वो तुम्हें सैल्यूट करे, हर इंसान नहीं चाहता कि तुम्हें उन बुलंदियों पर देखे जहां उसके बाप दादा तक नहीं पहुंच सकते। तो दोस्त अगर तुम्हें सच में किसी से कुछ पूछना है तो जाओ अपने माँ बाप के पास, वही है तुम्हारे सच्चे साथी, और खुद पर भरोसा करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ, और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैंने आज अपना बेस्ट दिया? और जिस दिन आपका जवाब हाँ आ जाए उस दिन तुम्हारा यूपीएससी टेस्ट चाहे कोई भी अटेम्प्ट हो गारंटी के साथ क्लियर हो जाएगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो आज कमेंट में लिख कर जाओ, और याद रखना कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडी मेनिया।